नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल क्लास में। आपका विद्यार्थियों, आज कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिख नहीं रहा है सही से। तो देखो, पूरा मौर्य साम्राज्य हमारे भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य चल रहा था। विद्यार्थियों, हम तीन दिन कला संस्कृति पढ़ेंगे, तीन दिन भारत के इतिहास। सोम मंगल बुध हम कला संस्कृति, न्यू कला संस्कृति अपडेट यानी राजस्थान का जीके, राजस्थान का जीके हमारा चेंज हो गया, तो वो ले रहे हैं हम तीन दिन। और तीन दिन हम भारत के इतिहास, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में हम क्या पढ़ रहे थे? इतिहास की जानकारी के स्रोत। इतिहास की जानकारी के स्रोत दो भागों में पढ़ा था, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हमने दो भागों में देखा, देशी साहित्यिक स्रोत, विदेशी साहित्यिक स्रोत। देशी साहित्यिक स्रोत जैसे ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, तमिल, ये ग्रंथ पढ़े थे, इनको हमने पहले पढ़ लिया था साहित्यिक स्रोत। अब हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत में हमारा अभिलेख चल रहा था, अभिलेख सिख। पुरातात्विक स्रोत को चार भागों में बांटा, अभिलेख, सिक्के, वर्तमान, महल। अभिलेख, सिक्के, वर्तमान, महल, जिसमें अभिलेख, अभिलेख में शिलालेख, स्तंभलेख, शिलालेख, स्तंभलेख। और हम क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य काल की जानकारी देने वाले गुफालेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुफालेख। तो हमारे गुफालेख चल रहे विद्यार्थियों, फिर हम देखेंगे सिक्के। अभिलेख हमारे अभी पूरे हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे सिक्के, फिर हम देखेंगे वर्तमान, फिर हम देखेंगे महल, फिर हमारे ये हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो विद्यार्थियों देखो, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल की जानकारी देने वाले गुफालेख, मौर्य काल की जानकारी देने वाले गुफालेख कौन कौन से हैं? तो अशोक मौर्य ने बिहार में स्थित, बिहार यानी बिहार, ये बिहार, ये बिहार में स्थित बारह बार की पहाड़ियों में आजीवन धर्म के भिक्षुओं के रहने के लिए निम्नलिखित गुफाएं बनाई। यानी जो धर्म भिक्षुएं थी उनकी जो ब्रांच, जैसे हमारे ऐसे माना जाता है ना, ये हमारे पंडित है, मतलब साधु बन जाते हैं, ऐसे उनके भिक्षुएं बनते हैं। तो भिक्षु अशोक मौर्य ने बिहार में स्थित बारह बार की पहाड़ी, कहाँ, कौन सी पहाड़ी? बारह बार की पहाड़ी पे आजीवन धर्म भिक्षुओं रहने के लिए निम्नलिखित गुफाएं बने, कौन कौन सी? एक नंबर निग्रोध गुफा, कौन सी? निग्रोध गुफा। दो नंबर सुदामा गुफा, तीन नंबर करण चोपड़ा गुफा, चार नंबर विश्व झोपड़ी गुफा। निग्रोध गुफा, सुदामा गुफा, करण चोपड़ा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। तो प्रश्न ऐसे आएगा विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से अशोक मौर्य ने बिहार में स्थित बारह बार की पहाड़ी पे कौन सी गुफाएं बनाई? तो ये चार बनाई थी। फिर देखो विद्यार्थियों, दशरथ मौर्य ने भी आजीवन धर्म के भिक्षुओं के रहने के लिए निम्नलिखित गुफा बनाई। यानी अशोक मौर्य के बाद किसने बनाई? दशरथ मौर्य ने। कौन सी गुफा? एक तो बनाई लोमहर्ष ऋषि की गुफा, लोमहर्ष ऋषि की गुफा जो है बारह बार की पहाड़ी, मौर्य काल की सबसे सुंदर गुफा है। प्रश्न ऐसा आएगा, मौर्य काल की सबसे सुंदर गुफा कौन सी है? कौन सी है? लोमहर्ष गुफा। दशरथ मौर्य ने कौन सी गुफा बनाई? तो ये दो गुफा का नाम बताना है। सीधे सीधे मैं आपको प्रश्न बता रहे, वैसे ही पूछेगा, कोई चेंज तो नहीं आएगी इसमें। और दो नंबर है गोपिका गुफा, नागार्जुन पहाड़ी पे आंध्र प्रदेश में। ये दो गुफा किसने बने? दशरथ मौर्य। और ये चार बने अशोक मौर्य, मौर्य काल की जानकारी देने वाले गुफालेख। बस ये इतनी एडिक लगा था, ये लिखना है। चलो लिखो, मौर्य साम्राज्य आपके लिखा हुआ है, यहाँ से लिखो मौर्य काल की जानकारी देने वाले गुफालेख। फिर लिखो, अशोक मौर्य ने बिहार में स्थित बारह बार की पहाड़ियों में आजीवन धर्म के भिक्षुओं के रहने के लिए निम्नलिखित गुफाएं बनाई। एक नंबर लिखो निग्रोध गुफा, दो नंबर लिखो सुदामा गुफा, तीन नंबर लिखो करण चोपड़ा गुफा, चार नंबर लिखो विश्व झोपड़ी गुफा। फिर नीचे लिखो, दशरथ मौर्य ने भी आजीवन धर्म के भिक्षुओं के रहने के लिए निम्नलिखित गुफाएं बनाई। एक नंबर लिखो लोमहर्ष ऋषि की गुफा, बारह बार की पहाड़ी, मौर्य काल की सबसे सुंदर गुफा। दो नंबर लिखो गोपिका गुफा, नागार्जुन पहाड़ी, आंध्र प्रदेश। तो विद्यार्थियों आप इसको लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो जल्दी। जिसने नहीं लिखा है लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। दिख रहे होगा विद्यार्थियों आपने, चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या देखेंगे? सिक्के। हमारे ये गुफा पूरे हो गए विद्यार्थियों, अब हम सिक्के देखेंगे। Thank you.
विद्यार्थियों सिक्के मौर्य काल में सोने के सिक्के प्रचलन में नहीं थे, यानी मौर्य काल में विद्यार्थियों सोने के सिक्के नहीं चलते थे, तो किसके चलते थे? चांदी के। मौर्य काल में चलने वाले चांदी के सिक्के को पड़ या कासापड़ कहा जाता था। मौर्य काल में जो चांदी के सिक्का चलता था उसे क्या बोलते थे? पड़ या कासापड़। मौर्य काल में चलने वाले तांबे के सिक्के को मार्क्स या कांकड़ी कहते थे। चांदी के सिक्के को पड़ या कासापड़ और तांबे के सिक्के को मार्क्स या काकड़ी कहा जाता था। मौर्य काल में प्रचलित सिक्के और आभूषण के भंडार निम्नलिखित स्थानों से मिले। सिक्के और आभूषण का भंडार कहाँ से मिला मौर्य काल में? तो एक नंबर तो है बीर टीला, तक्षशिला पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला के समीप एक बीर टीला है, वहां से मिला। और हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में जो हस्तिनापुर है वहां से मिला। तो इसको लिखो, फिर एक दो नोट्स लिखेंगे। चलो लिखो लिखो सिक्के। मौर्य काल में सोने के सिक्के प्रचलन में नहीं थे। मौर्य काल में चलने वाले चांदी के सिक्के को पण या कासापड़ कहा जाता था। मौर्य काल में चलने वाले तांबे के सिक्के को मार्क्स या काकड़ी कहा जाता था। मौर्य काल में प्रचलित सिक्के व आभूषण के भंडार निम्नलिखित स्थानों से मिले। बीर टीला, तक्षशिला पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला के समीप हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में स्थित। लिख लो इसको, फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो, जल्दी लिखो। चलो विद्यार्थियों आपने लिख लिया होगा, आगे एक दो नोट्स लिख लेते हैं। इन्हीं सिक्कों से जुड़े हुए नोट्स हैं।
आगे लिखो विद्यार्थियों, दो नोट्स लिख लो। चलो लिखो, गुप्तकालीन सिक्के को क्या कहते थे, यानी मौर्य काल सिक्के को। तो अभी हमने देखा ना पर्णी आकाश से अपन कहते थे, और तांबे के सिक्के को माक्षी अग्नि। तो गुप्त काल में क्या कहते थे, सोने तांबे का नहीं होता था उस टाइम, सोने और चांदी के होते थे। सोने के सिक्के को दीनार कहते थे और चांदी के सिक्के को रुपये कहते थे। तो गुप्तकालीन सिक्कों से भंडार, तो गुप्तकालीन सिक्के के भंडार मिले थे, तो वो कहाँ से मिले? जैसे कि अभी हमने देखा था ना भील टीला और हस्तिनापुर से मिले, तो गुप्तकालीन कहाँ से मिले? तो वो मिले थे बयाना भरतपुर से। कहाँ से? बयाना भरतपुर से। ये इनसे जुड़े दो नोट थे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतने, आप थोड़ी सी छोटी क्लास में कुछ काम आ गए आज के लिए इतने ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद।